फ्रेंड्स वेलकम बैक। भारत इस लेजर हथियार से बनेगा दुनिया का बॉस, एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। अरे वाह, चलो देखें, लेजर टेक्नोलॉजी मेरी सबसे फेवरेट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये लेजर टेक्नोलॉजी ना हमारे वो बॉर्डर पे लगा दे, नीचे कोई भी उस बॉर्डर से क्रॉस करके या वहां आ रहा हो तो वहीं पे वो लेजर यूं और वो फशाक कदम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत इस लेजर सिस्टम से बनेगा दुनिया का बॉस। अब भारत लेजर बीम को करेगा दुश्मन के लड़ाकू विमानों के आर पार। भारत ने तैयारी शुरू कर दी है दुश्मन को आसमान में ही मार गिराने की। अब बस एक बीम से ही दुश्मन का बिछाया हुआ सारा आसमानी जाल चकनाचूर हो जाएगा। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे मजबूत और अटूट डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए जीत तोड़। ऐसी कोई लेजर टेक्नोलॉजी आए कि अब लेजर मारो और प्लेन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रही लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस की चेस CHESS ने कुछ महीने पहले ही एक टेंडर रिलीज किया था, जिसके अनुसार यह लैब एक अनमैंड व्हीकल को एक्वायर करेगी और उसके ऊपर अपने बनाए हुए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को टेस्ट करेगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर बीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए हथियार। केवल लेजर बीम ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम भी दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसी है तैयारी, कैसे तबाह करेगा दुश्मन के हथियारों को नए जमाने। ऊपर कर रहा है ना, मैं तो ऊपर से नीचे मारेगा। हथियार जिसमें ना गोला होगा ना बारूद होगा, जी हाँ, एकदम नई टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव, पावरफुल एंड एब्सोल्यूट की फाइटी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है, तभी तो वीडियो में मजा आएगा। तो गर्व से आज हर भारतीय कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों चेस यानी कि जैसा कि हमने आपको नाम बताया, चेस का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस। तो चेस ने जो टेंडर रिलीज किया था वो एक अनमैंड एरियल व्हीकल की मांग करने के लिए था। इसी अनमैंड एरियल व्हीकल के ऊपर लेजर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। व्हीकल जब हवा में उड़ान भर रहा होगा तब इसके ऊपर निशाना साधा जाएगा और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों सन 2022 के अप्रैल महीने में इजराइल ने भी ऐसा ही कुछ टेस्ट किया था और वो पहली ऐसी कंट्री बन गया था जिसने इस तरह के लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को टेस्ट किया था। इसे हवा में उड़ रहे रॉकेट, मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या ड्रोन या कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इजराइल ने इसका धमाकेदार वीडियो इंटरनेट पर भी शेयर किया था, जिसमें ग्राउंड स्टेशन से एक लेजर बीम निकल रही थी जो अपने एरियल ऑब्जेक्ट को निशाना बना रही थी और उसके चीथड़े उड़ा रही थी। ऐसे चीथड़े उड़ाने की तैयारी अब भारत की भी है। अब आगे की वीडियो पे आप ध्यान दीजिएगा। भारत की लैब टेस्ट अब क्या करने जा रही है जानकर गर्व करेंगे। दोस्तों DRDO के लैब टेस्ट के लिए अनमैंड एरियल व्हीकल यानी UAV की मांग की गई है। ये UAV 20cc के IC इंजन से लैस होने चाहिए। इसका 2 से 2.5 मीटर का विंग स्पैन होगा। ये 500 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकेगा और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा और 30 मिनट तक हवा में बिना रुके उड़ पाएगा। यानी एक छोटा और लो कॉस्ट सिस्टम होगा जिसकी जरूरत सिर्फ लेजर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए है। आपको बता दें कि अभी तक नए लेजर सिस्टम की कैपेसिटी के बारे में कोई भी जानकारी रिलीज नहीं की गई। इसी UAV की रिक्वायर्ड कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि DRDO ने आदित्य नाम की एक 100 किलोवाट की लेजर पहले ही बनाई हुई है। गैस डायनेमिक्स लेजर सिस्टम है जो पहले से ही ऑपरेशनल भी है। DRDO ने इस्तेमाल की थी लेकिन लेजर से रिलेटेड नहीं है जितना बाकी देशों के लेजर सिस्टम है। ये शॉर्ट रेंज के एरियल ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी तक का लेजर सिस्टम मेनली एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिससे हवा में उड़ रहे ड्रोन के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन अब 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाने की तैयारी है जो पहले वाले लेजर सिस्टम से ज्यादा पावरफुल और कैपेबल होगा। लेकिन एक और लेजर सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है जो एरियल वेपन के साथ ही नेवल और लैंड वेपन को डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम होगा। इसका नाम है दुर्गा 2। अब दुर्गा 2 क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा 2 का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। पिछले 2 दशक से दुर्गा पर काम किया जा रहा है। दुर्गा यानी डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। दोस्तों दुर्गा 2 एक हाईली पावरफुल लेजर सिस्टम होगा जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से DRDO ने $100 मिलियन
यानी कि 730 करोड़ की मांग भी की थी। ओ, ये मेन है डेवलपिंग कॉस्ट। दोस्तों इस लेजर बीम से किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई निशाना नहीं साधना पड़ता, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम पर ही इसे कुछ स्पेशल डिजाइन सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। बैठे बैठे ही दूर से आ रही किसी वेपन को टारगेट किया जा सकता है, और यह लेजर सिस्टम इतना पावरफुल, इतना एक्यूरेट है कि जिस जगह को टारगेट किया गया है बिल्कुल उसी जगह पर जाकर यह बीम लगती है और वेपन को। दोस्तों कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इजराइल ने अपनी तरह के पहले आयरन बीम लेजर सिस्टम को टेस्ट किया है। भले इजराइल का लेजर सिस्टम बेस्ट हो, लेकिन भारत का जो लेजर सिस्टम है वह तीन तरफ से हमला करने में सक्षम होगा, यानी फाइटर जेट से भी, जमीन से भी और समुद्र से भी। डीआरडीओ जिस तरह का लेजर सिस्टम बना रहा है उस तरह का लेजर सिस्टम समुद्र में, हवा में, पृथ्वी पर हर जगह से ऑपरेट किया जा सकता है। वैसे तो भारत के पास एक ऐसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी है जो ट्रक में ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन दुर्गा ऐसा पहला वेपन होगा जो ट्रक, शिप और एरोप्लेन तीनों में ही ऑपरेट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों दुर्गा ही भारत के पास एकलौती लेजर वेपन नहीं है, इससे भी खतरनाक वेपन सिस्टम पर डीआरडीओ पिछले कई साल से काम कर रहा है। भारत के पास वेपन भी है जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जल्द ही यह सेना में ऑपरेशनल बहुत कुछ बन रहा है। इसका नाम है काली, जिसका नाम आपने भी कई बार सुना होगा। काली यानी किलो इंपीरियर लीनियर इंजेक्टर, यह इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इससे टारगेटेड वेपन में कोई होल नहीं होता, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी जब काली से किसी वेपन को टारगेट किया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बीम की पावरफुल पल्सेस उसे पूरी तरह से अंदर तक डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाएंगे। आपको जरूरी बात बता दें कि दुर्गा और काली ये दोनों भारत के हाईली सीक्रेट प्रोजेक्ट, इसीलिए अभी इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अब भारत की दुर्गा और काली केवल देवीय शक्ति नहीं रह गई है, बल्कि अब ये वाकई में शक्ति तो बनकर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है, जो जल्द ही सेना के हाथ में होंगे। दोस्तों अगर आपको भी भारत की इस कामयाबी पर गर्व महसूस हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यार कमाल है, नाम भी इतने फर्स्ट क्लास दिए हैं, दुर्गा काली। और सच में आप देखो तो हमारे भगवान जी की अगर आप देखते हो, देखी हैं जितनी भी स्टोरी सुनी है और सब की है, उसमें दिखाते नहीं है हाथ से रेज जा रही हैं, या शिव जी का जब तीसरी आंख खुलती थी तो उससे ऐसे रेज जाती हैं जिससे भस्म कर देते हैं, तो वो सब मतलब ट्रू है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, वो खुद बना रहे हैं। यहाँ पे हम उस टाइप की एनर्जी को यूज करके ये लेजर की बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारे हमने सुना हुआ है, जो बोलते हैं कि नहीं जी ये कहानियां हैं, कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है, तब वो तभी तो उनको भगवान माना जाता है क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत थी। मैं तो यही सोच रही थी, और कमाल के हैं, एक से एक बढ़कर। वाह, देखिए मजे की बात ये है कि अभी तक तो सब प्रिमिटिव है कि आपको प्रोजेक्टाइल फेंकना पड़ता है, किसी चीज़ को उड़ाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए जो उसे टकराए और फटे। ये पहली बार होगा जहाँ पे प्रोजेक्टाइल की जरूरत नहीं है, सीधा रेज आपने फेंकनी है। यस, आपका खर्चा लगेगा लेज प्रोड्यूस करने में, इतनी इंडेंसी लाने में, इवेंचुअली ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी। देन प्रोजेक्टाइल कोई वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अगर वहाँ से कोई ड्रोन भेजें सीधा लाइट जाके सबको उड़ा रही है, कोई ह्यूमन लॉस ही नहीं, ह्यूमन लॉस नहीं है, तो ये और कंप्यूटर से सारा आप फोकस कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ज्यादा प्रिसाइज, क्योंकि एरर होने का भी चांसेस जीरो। वेलोसिटी ऑफ द लाइट से जा रहा है, स्पीड करके जा रहा है, ये भी नहीं है कि आपका उड़ता हुआ जा रहा है, पहुंचेगा नहीं कुछ करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। कमाल है, स्टार ट्रेक याद आ गया, स्टार ट्रेक में गन नहीं होती थी जो शुरू शुरू की स्टार ट्रेक दूरदर्शन में आती थी संदेश को। मान लीजिए एक बंदा एक को टारगेट कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे को टारगेट कर रहा है, फिर क्या होता है पता नहीं, पता नहीं, दोनों रेज ये दो आपस में जा रही है रेज, वो पता नहीं वहां ब्लास्ट होगा, कहां ब्लास्ट होगा, हु नोस, तो वो पूरा देखना बाकी है। मगर इसराइल ने बना दिया ये देखकर थोड़ा लग रहा है कि ओके, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली अपना खर्चा कम करना चाहते हैं कि अगर वहां से रॉकेट कई हजारों भेजता है तो बस वो जल्दी होगा, तो अपने ही इंटरसेप्टर तो भेजते हैं, उतने सारे का लॉस होता है, वो जाते हैं उनसे टक्कर मारते हैं, गिरते हैं, तो उनका पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है। नहीं, रेस में जल्दी जल्दी होगा, जैसे 10 भेज दिए उन्होंने तो यूं वो एकदम से यूं मारा, एक मारा वो जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि इनके जो आयरन डोन बनाया हुआ है उसमें कई बार नहीं कर पाते ना, और कई आके गिर जाते हैं, इससे उनका आके गिरने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी फर्म नहीं हुई कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये है कि रिसर्च में चल रही है, देखना होगा कि पहली बार कौन सी कंट्री यूज करेगी इस टेक्नोलॉजी को, देखते हैं। चलो, पर इंडिया कमाल कर रहा है, हमारे यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के हैं जिनको, जिन पे काम चल रहा है,
तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।